जी आज संडे है और आज इवनिंग में मेरा दिल कर रहा था कुकिंग करने का, तो घर पे बीफ मौजूद था तो बीफ कढ़ाई में बनाने लगा हूँ। इसके लिए सबसे पहले बीफ को अच्छी तरह से मैंने कंघाल लिए, इसको कुकर में डाल रहे हैं। ये 1/2 kg बीफ है और इसमें पानी डालने हैं तकरीबन 250 ml इसको गलाने के लिए, और इसमें थोड़ा सा नमक भी डालना है ताकि ठीक से गल जाए। आयोडीन नमक यूज़ करता हूँ मैं। फिर इस कुकर की जो ढक्कन है इसको अच्छे से फिलअप करना है, इसको 25 से 35 मिनट तक गलाना है, देखें इस आंच पे। चलो जी मेरी आज की रेसिपी, सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ये ऑयल डाला, ये तकरीबन 100 ml है 1/2 kg बीफ के लिए। उसके बाद इसमें सबसे पहले प्याज डालने हैं, उसकी बुनाई के बाद फिर टोमेटो है छोटा छोटा पीस किया हुआ है, यहाँ पे अदरक है और लहसुन है, ग्रीन चिली है, लेमन, ये जो ज़रूरी चीज़ें मैं अपनी डिश में डालता हूँ, और ये दही है, ये आलमंड पर हैं गार्निश के लिए। बाकी ये मसाला जात में सबसे पहले साल्ट है, मिर्चें हैं, काली मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा, गरम मसाला, और ये तरतीब मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह से कौन सी चीज़ किस नंबर पर डालने और कितनी देर उसके साथ ट्रीट करने हैं। माशाल्लाह जी ये दो बड़े साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करते हैं। उसके बाद सबसे पहले ऑयल को कुछ देर गर्म करने के बाद ये तकरीबन 7 से 8 मिनट तक प्याज जब तक लाइट ब्राउन हो जाते हैं तब तक इस तरह से हल्के चम्मच के साथ इसको भुना जाता है। जी देखिए व्यूअर्स, ये लाइट ब्राउन हो गए हैं प्याज, अब इसके अंदर टोमेटो डाल रहे हैं। चलो जी टमाटो डालने से ही बहुत प्यारी प्यारी सी स्मेल आ रही है थोड़ी सी। इस तरह से टमाटो को बिल्कुल सॉफ्ट कर देना है, बिल्कुल मिक्स हो जाए प्याज और टमाटर आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाएं, तब तक इस तरह से इसकी भुनाई करनी है। माशाल्लाह जी टमाटर और प्याज को आपस में बिल्कुल पेस्ट बना लेने के बाद फिर इसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है, वो भी बिल्कुल अब घुल मिल गया और एक बेहतरीन अमेज़ा बन गया। ये बहुत प्यारी खुशबू आ रही है यहाँ पे मुझे। अच्छा जी व्यूअर्स, उसके बाद ये देखें ये स्पेशल मसाला जाते हैं जो मैं अपने कढ़ाई के अंदर डालता हूँ, देख सकते हैं आप। इसमें नमक है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, ज़ीरा है, और ये गरम मसाला जात और एक ख़ास चीज़ है, ये मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून डाल रहा हूँ। काली मिर्च थोड़ी कम डालिए, बाकी तमाम चीज़ें 1/2 टीस्पून है। और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने हैं अब। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह व्यूअर्स, ये बिल्कुल मसाला तैयार हो गया कढ़ाई का, अब इसके अंदर गोश्त डालने का वक्त आ गया है। ये मेरे पास 1/2 kg है बीफ का, और इसको मैंने कुकर के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से पहले डाल के अब इसकी जो आग है ना वो थोड़ी धीमी कर लेनी है, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और इसको तकरीबन 10 मिनट तक इस मसाले के अंदर इसको फ्राई करना है। माशाल्लाह से ऑलमोस्ट ये फ्राई हो चुका है गोश्त, अब इसके अंदर दही डालने की बारी आ गई है, मैं अब इसमें दही डालता हूँ। 1 कप दही डालनी है इसके अंदर, इसी से ही फ्लेवर आता है बहुत अच्छा, और इसको अच्छे से मिक्स करना है अब। जी व्यूअर्स, यहाँ अभी मैंने नमक इसका टेस्ट कर लिया, थोड़ा सा मुझे और स्पाइसी चाहिए था, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्चें और डाली हैं,
और अभी इस वक्त इसके अंदर सब्ज़ मिर्च डाल के उसको भुना जाता है, क्योंकि ये फाइनल टच आने वाला है मेरी इस कढ़ाई को। तो जो ग्रीन चिलीज़ होती हैं, सब्ज़ मिर्च होती हैं, वो इस टाइम अपना टेस्ट निकालती हैं। जी व्यूवर्स, अब इसमें कुछ दो कटी हुई मैंने ग्रीन चिली डाली है, और इस वक्त लास्ट में मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालता हूँ, इससे बहुत प्यारा फ्लेवर आता है। माशाल्लाह मुझे तो बहुत इसकी मीठी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह जी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्यूवर्स देख के भी इंजॉय कर रहे होंगे कि वकास साहब बीफ कढ़ाई बना रहे हैं। और जिस किसी ने भी इसकी रेसिपी लेनी हो वो कमेंट बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स पूछ सकता है मुझसे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें। व्यूवर्स, एक खास टेक्निक है मेरी कढ़ाई बनाने में, वो बिल्कुल लास्ट में मैं यूज़ करता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ डाल रहा हूँ, इससे बहुत प्यारा टेस्ट आता है। व्यूवर्स, ये मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है। माशाल्लाह जी, अब ये मैं इसको गार्निश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ग्रीन चिली डालती है इसके अंदर, और फिर जी इसमें ये मैंने कुछ बारीक अदरक काटी हुई है, अदरक रख रहा हूँ। साथ बेटा एक तरफ हो जाएं, और जी ये लास्ट में यहाँ पे एक लेमन, और ये थोड़े से आलमंड हैं, बादाम। हाँ जी व्यूअर्स, आप बताएं कैसी लग रही है ये डिश आपको। जी व्यूअर्स, ये आज का हमारा डिनर रेडी हो गया है। माशाल्लाह जी, महीने में एक दफ़ा ऐसा दिल करता है खुद अपने हाथों से खाना बनाएं और खाएं। देखें आज की डिश की रिप्रेजेंटेशन कैसे है। जी व्यूअर्स, बताएं अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे बनाने का तरीका, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी इस वीडियो को, और शेयर भी कीजिएगा। एडवांस में शुक्रिया सबका। बीफ कढ़ाई मेड बाय वकास कुरैशी। वीडियो बन रही है, हम लाइव यूट्यूब पे जा रहे हैं, आज अपना डिनर कर रहे हैं। आप बताएं पापा ने कैसे बनाया खाना, अच्छा लगे? चलें ट्राई करते हैं आज हमारा खाना कैसा है। जी माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू तो आ रही है मुझे। और जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा टेस्ट है। आप ज़रूर आएँ कभी मेरे पास, मैं आपको ये खाना खिलाऊँगा।